हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, यू वाचिंग एटीवी। आज हम रिंग मैग्नेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जानेंगे। इससे पहले हमने बार मैग्नेट के बारे में सब कुछ जाना था अच्छे से। आपने उन वीडियो को यदि नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। रिंग मैग्नेट जो कि आपको दिख रहा होगा एक छल्ले की तरह होता है, इसे हम रिंग मैग्नेट कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन होता है, कई घर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके पोल कहाँ होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी मैग्नेट होते हैं उनके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो इसमें भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होगा, पर वो कहाँ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सा भी रिंग मैग्नेट के उनके पोल उनके सरफेस पे होता है। ये जो दो सरफेस आपको देख रहे हैं, ये दो सरफेस इनके पोल हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहले से इसमें एक यहाँ पर मार्क बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये रेड डॉट इसे बता रहा है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सरफेस ही पोल कैसे हो सकता है इस रिंग मैग्नेट का। तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग मैग्नेट बनता कैसे है। हम बार मैग्नेट को तो जानते ही हैं। मान लीजिए कि एक हमने बार लिया, उसके किनारे को हम काट कर उसे एक सिलेंडर के शेप में हमने बना दिया। किसी बार के यदि किनारे को हम काटें तो ये एक सिलेंडर बन सकता है, फिर वो सिलेंडर बन जाएगा। फिर उसके बीच हम यदि हॉल करें, किसी बॉर्डर से हॉल करें, तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और उस हॉलो सिलेंडर को हम जब कट करेंगे, उस सिलेंडर के आगे थोड़ा सा हम कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिंग कट कर मिलेगा। और हम जानते हैं कि जब किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, किसी बार मैग्नेट को हम ब्रेक करते हैं, तो उसके जो साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं वो छोटा छोटा बहुत सारे मैग्नेट में बदल जाता है। मतलब जैसे कि ये एक बड़ा मैग्नेट है और ये एक छोटा मैग्नेट है, तो इनमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया और इसमें भी साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया है। मतलब जितना ये टुकड़ा बनते जाएगा उतना मैग्नेट बनता जाता है। ठीक वैसा ही सिलेंड्रिकल मैग्नेट में भी होता है। जब उसे हम काटते हैं तो उनमें भी अलग अलग आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब उसके पोल्स बनते दिखेंगे, मतलब वो भी छोटा छोटा मैग्नेट बनता जाता है। तो ये भी एक सिलेंडर का कटा हुआ भाग है। तो ठीक इसके ये जो साइड हैं ये नॉर्थ पोल हैं और ये साइड साउथ पोल हैं। इस तरीके से आपको किसी भी रिंग मैग्नेट का पोल पता चल जाता है कहाँ होता है। एक साइड होता है उसका सरफेस नॉर्थ पोल, एक सरफेस होता है साउथ पोल। अब ये बात तो आपको पता चल गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है यूनिवर्स में, हमारे नेचर में। इसलिए जब भी कोई मैग्नेट ब्रेक करता है तो उसमें दो पोल बन जाता है। मोनोपोल कभी भी मतलब एक ध्रुव कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं हमारे नेचर में, हमेशा वो दो पोल बनाता है, चाहे आप इसे जितना भी टुकड़ा करें। तो किसी सिलेंडर को भी हम टुकड़ा करते हैं तो उसमें भी दो पोल बन जाते हैं। तो ये सिलेंडर का टुकड़ा है तो इसमें दो पोल आपको बनते दिखते हैं। और रिंग मैग्नेट के आपको पता चल गया कि दोनों जो सरफेस होते हैं उनमें उनका पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। मैंने इनमें अच्छे से लिख भी दिया है, अच्छे से समझा भी दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गया कि इसके पोल सरफेस में होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम एक बार मैग्नेट का यूज करेंगे। आपको पता है बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ होता है, और ये डॉट हमें बताता है कि ये एक नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है कि ऑपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करता है। ये यदि नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये और ये नॉर्थ है, तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, और सेम पोल रिपल करता है तो ये रिपल करेगा, ये रिपल कर रहा है, आप देख सकते हैं। पर इसे
टर्न कर दूं तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये साउथ पोल है तब तो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि अपोजिट पोल है, और ये नॉर्थ पोल है इसलिए रिपल कर रहा है क्योंकि ये दोनों नॉर्थ पोल हैं, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बार मैग्नेट से मैंने प्रूव किया किसके ये दोनों पोल हैं। एक और तरीका है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैंने एक पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि किसी भी मैग्नेट को हम जब आइसोलेटेड हैंग करते हैं तो अपना पोल हमारे अर्थ के पोल के साथ अट्रैक्ट कर हमें दिखा देता है। उसके लिए सबसे पहले एक थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड में इस मैग्नेट को हम बांध लेंगे अच्छे से। बांधने के बाद उसे लटकाना है हमें अच्छे से, आइसोलेटेड लटकाना है कि कोई सा भी लोकल अट्रैक्शन उसके आसपास ना हो। बांध लिया। हमें पता करना होगा नॉर्थ साउथ कहाँ है, इसके लिए हम कंपास का हेल्प लेंगे, इसे थोड़ा दूर रखते हैं। आपको दिख रहा होगा नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, इसे हम थोड़ा सपोर्ट करके रखते हैं तो ठीक। ये उसी डायरेक्शन में रुक रहा है जिस डायरेक्शन को ये कंपास हमें नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा हो। इसे यदि टर्न करके रोकेंगे तो ये नहीं रुकेगा, ये घूम जाएगा और फिर वो उसी जगह जाकर के रुकेगा जहां पर नॉर्थ पोल है। इसमें काफी टाइम लगेगा तो हम इसे थोड़ा सपोर्ट करते हैं या फिर इसे खुद ही रुकने के लिए छोड़ देते हैं, ये ठीक वहीं पर जाकर के रुक जाएगा। काफी समय लगता है इस क्रिया में, काफ़ी समय लगता है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि ठीक उसी डायरेक्शन में रुकने वाला है जहाँ पर उसमें रेड मार्क किया हुआ है उस मैग्नेट में। मतलब कि इस मैग्नेट का जो रेड मार्क है वो उसका नॉर्थ पोल है और जो रेड मार्क जहाँ नहीं है वो उसका साउथ पोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी रिंग मैग्नेट का पोल उसके सरफेस में होता है। आपको दिख गया होगा ये बिल्कुल वहीं पर रुक गया है जहाँ पर उसके रेड मार्क है, और ये कंपास में आपको दिख रहा होगा उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, मतलब वो हमारा इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ। इसे काफ़ी टाइम तक घूमता रहेगा, इसे रोकता हूँ, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही रुक गया है। इसे यदि इधर घुमा कर रोकता हूँ तो ये घूम जाता है, लेकिन इधर घुमा करके छोड़ता हूँ तो रुका रह जाता है, मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इस तरीके से हम पता करते हैं किसी भी बार मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी सॉरी बार मैग्नेट बोल दिया मैंने, मतलब रिंग मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी भी रिंग मैग्नेट का पोल उसके सरफेस पे होता है, मतलब उसके जो ओपन सरफेस होते हैं वो उनका पोल होता है। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, इसमें अच्छे से मैंने बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो में आपको रिंग मैग्नेट के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी के मैं वीडियो में इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। आपको वीडियो को अच्छे से यदि समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।